और पिछले 5-7 साल से 64वीं बीपीएससी से 2019 से मैं बीपीएससी में सुधार के लिए लड़ रहा हूँ, कई बार लाठियाँ खाई, और आज खुशी इस बात की हो रही है कि जिस चीज़ के लिए हम मार खाए, पुलिस की लाठी खाए, जेल गए, और आज उस चीज़ की वजह से इतना सुधार हुआ है बीपीएससी में जितना हम लोग अपने परीक्षार्थी रहते हुए चाहते थे। एक साल पहले हम खुद बोलते थे बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, लेकिन आज हम खुद बोल रहे हैं, इससे पहले भी शिक्षक भर्ती में हम आए थे तो हमने उस समय भी कहा था कि परीक्षा अच्छे से कंडक्ट हो रही है तो हम तारीफ करेंगे जाहिर सी, लेकिन अब वो चीज़ इतिहास बन गया है तो हम लोग को परीक्षा देने में डर नहीं लगता है और हम बड़ी खुशी के साथ परीक्षा देने आए हैं, विश्वास के साथ कि पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधली सटिंग नहीं हुआ। राजन कुमार, आप बने हुए हैं न्यूज़ पेयर के साथ, अभी इस वक्त हम खड़े हैं बीपीएससी आयोग में यानी ऑफिस, हमारे पीछे आप साफ तौर से देख रहे होंगे, और बीपीएससी 69 जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो पूरे बिहार भर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे यानी सेंटर हॉल में आप तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी लगी हुई है। एग्ज़ाम होने के ठीक 10 मिनट पहले यानी एंट्री से पहले सीसीटीवी बीपीएससी आयोग में चालू कर दी गई थी और चप्पे चप्पे पर नज़र बनाई हुई है। तस्वीर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम में किस तरीके से सीसीटीवी के माध्यम से बिहार के तमाम जिलों में जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो रहा है उस पर पैनी नज़र रखे हुए। हमारी बात कुछ बात हुई वहाँ के स्टाफ से तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि एंट्री होने से पहले ही सीसीटीवी ऑन किया गया था, चप्पे चप्पे पर नज़र बनी हुई है। आप तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं कि स्टाफ लोग वहां पहुंचे हुए और किस तरीके से चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है वो बरकरार है। सबसे बड़ी बात है कि जो आयोग जिस तरीके से बीपीएससी टीचर में आपने देखा था सीसीटीवी के माध्यम से चप्पे चप्पे पर नज़र थी और इस बार बीपीएससी के जो 69 का एग्जामिनेशन हो रहा है उस पर आप तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं, तमाम जिले का कंट्रोल रूम जो आप देख रहे हो वो तमाम जिले का जो सेंटर है, सेंटर हॉल है, वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं। सीसीटीवी का डायरेक्ट कंट्रोल बीपीएससी यानी आयोग मॉनिटरिंग कर रही है तो होशियार रहें, अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं, कदाचार करते हैं तो उसे सावधान रहें क्योंकि आप पर सीसीटीवी के जरिए पैनी पैनी नज़र आयोग बना कर रखी हुई है। और बस एक ही जिला है मेरा, क्या रिस्पांस मिल रहा है वहाँ से? तो भी बहुत अच्छा है, एंट्री बहुत अच्छे से हुआ है, अब एग्जाम स्टार्ट है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। कितने बजे से ये मॉनिटरिंग हो रही है? इधर 11 बजे से हो रही है, एंट्री के पहले से हम लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं, सब कुछ चेक वगैरह कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पे नजर है। गाने के लिए तो बहुत लोग कहेंगे कुछ, लेकिन एक साल पहले हम खुद बोलते थे बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, लेकिन आज हम खुद बोल रहे हैं, इससे पहले भी शिक्षक भर्ती में हम आए थे तो हमने उस समय भी कहा था कि परीक्षा अच्छे से कंडक्ट हो रही है तो हम तारीफ करेंगे, जाहिर सी बात है, अगर कहीं कुछ गलत हमें नज़र आएगा तो उसको भी हम सरकार के सामने, आयोग के सामने रखेंगे कि उसमें सुधार हो। और पिछले 5-7 साल से 64वीं बीपीएससी से 2019 से मैं बीपीएससी में सुधार के लिए लड़ रहा हूँ, कई बार लाठियाँ खाई, जेल भी गए, और आज खुशी इस बात की हो रही है कि जिस चीज़ के लिए हम मार खाए, पुलिस की लाठी खाए, जेल गए, और आज उस चीज़ की वजह से इतना सुधार हुआ है बीपीएससी में जितना हम लोग अपने परीक्षार्थी रहते हुए चाहते थे। तो खैर अब तो हम परीक्षा भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए आत्मसंतुष्टि है कि जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे वो चीज़ हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा हो रही है, इससे पहले आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, आज 69th बीपीएससी पीटी हो रही है, तो हम तारीफ कर रहे हैं नहीं कर रहे इसको छोड़ दीजिए, आप बिहार से बाहर से जो अभ्यर्थी आए हैं उनसे जाके पूछिए, मैंने तो देखा है खजांची रोड में सेमिनरी स्कूल पे बिहार से बाहर के अभ्यर्थी आए थे, यूपी, झारखंड, एमपी, दिल्ली, महिला अभ्यर्थी भी, पुरुष अभ्यर्थी भी, और वो लोग खुद बोल रहे हैं कि पहले बिहार में परीक्षा देने पर डर लगता था कि क्या पता परीक्षा देकर बाहर निकलेंगे और पता चला कि क्वेश्चन आउट है, जैसा कि 67वीं में लोग बाहर निकले थे और मेरे ही फेसबुक अकाउंट पर देखे थे तो पता चला था कि पेपर लीक था, लेकिन अब वो चीज़ इतिहास बन गया है तो हम लोग को परीक्षा देने में डर नहीं लगता है और हम बड़ी खुशी के साथ परीक्षा देने आए हैं, विश्वास के साथ कि पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधली सटिंग नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है, हम भी जब परीक्षा देने बिहार से बाहर जाते थे, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर अन्य राज्यों में, तो वहाँ हमें ये सुनने को मिलता था कि आपके बिहार में तो धांधली सटिंग होता है, पेपर पहले ही आ जाता है, एक रात पहले रटाया जाता है, तो ये सच्चाई थी, गलत नहीं था, तो हम वहाँ विरोध नहीं कर सकते थे। और यही सब वजह थी कि हमने एक मिशन अपना बना लिया था कि हम इस चीज़ के खिलाफ लड़ेंगे और सुधार होना चाहिए। और संवैधानिक संस्था जो बिहार का सबसे बड़ा भर्ती आयोग भी है, संवैधानिक संस्था भी है बीपीएससी, जब इसमें इतना बड़ा सुधार हुआ तो आज हमें खुशी हो रही है इस बात का कि जिस चीज़ के लिए हमने त्याग किया, अपनी नौकरी तक छोड़ दिया, तो उस चीज़ के लिए हमें आज खुशी हो रही है कि कम से कम चलिए
कि उस चीज़ के लिए जो त्याग किया हमने, व्यक्तिगत रूप से क्या त्याग किया वो मैं ही जानता हूँ, बाकी तो दूसरे लोग नहीं जानते हैं। आयोग को क्या खुला देंगे? और अभी जो ये बीपीएससी एक मॉडल बन गया है, और जहाँ तक मुझे पता चला है कि बिहार से बाहर के भी कुछ भर्ती आयोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि बीपीएससी में जो व्यवस्था लागू किया गया है क्या हम लोग लागू कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि बाहर के भर्ती आयोग भी चर्चा कर रहे हैं।